एक दूसरे को खिलाइए। अरे सब लोग खाओ ना प्लीज, कम ऑन ईट यार। शिवाय, मीडिया के सामने तो तूने खुल के बोल दिया कि अनिका डिजर्व्स अ ग्रैंड वेडिंग, लेकिन शादी है कब? बहुत जल्द, वेरी सून। इस बार मेरी बहू के सारे अरमान पूरे होने चाहिए। बिल्कुल दादी, पूरी धूम धमाके से शादी होगी, है ना अनिका? दूर रह, दूर रह। व्हाट? अरे तुम दोनों की शादी नहीं हुई अभी। अरे पर मेरी तो अनिका से शादी हो चुकी है ना। अच्छा, तो फिर से शादी क्यों कर रहे हो? और अगर कर ही रहे हो तो शादी की सारी रस्में निभाओ। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से अलग रहते हैं, कम से कम 2 फीट की दूरी। वो कहावत क्या थी, वो हाथ या मुंह लगा वाली? ओके, शट अप मैन। दादी मजाक कर रही है। हाँ दादी, बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। अरे पर दादी, क्या जरूरत है इसकी, मतलब रहने दो ना। समझ लो, तुम दोनों ने हमें बहुत परेशान किया और अब हम तुम दोनों को परेशान करेंगे। That's not fair, दादी। शिवाय, तू आ गया? चलो अनिका। लेकिन शिवाय, अनिका, शिवाय मेरी बात तो सुन। शिवाय, देख लिया पिंकी, वही हुआ जो मैंने कहा था तुमसे। अनिका को उसका पति मिल गया, लेकिन अपना बेटा खो दिया। शक्ति जी, मैंने ये हमारे शिवाय के लिए किया था, आप तो जानते हैं ना, हमारे शिवाय के लिए किया था। ये शिवाय के लिए नहीं किया तुमने, सिर्फ अपनी इज्जत के लिए किया। Anyway, शायद तुम अभी भी समझ नहीं पाओगी, और अब वैसे भी बहुत देर हो गई है। क्या हुआ, इतनी रात को मुझे यहां क्यों बुलाया? शिवाय, क्या हुआ? तुझसे कुछ बात करनी थी। इज एवरीथिंग ओके? तुझे याद है तूने मुझसे एक बार कहा था, जिस दिन मुझे प्यार हो जाएगा ना, रोते हुए आऊंगा तेरे पास। जिस दिन तुझे प्यार हुआ ना, रोते हुए आएगा मेरे पास। मुझे कभी यकीन नहीं था कि ये मेरे साथ हो सकता है, लेकिन हो गया। वैसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था तुझे, जानता है ना मुझे, हो थोड़ा वक्त लगता है मुझे। आई नो तो आके बोल। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा।
वो भी मेरे साथ, आई मीन ये प्यार इश्क मोहब्बत ये सब में यकीन ही नहीं था। तो मैंने हमेशा कहा था ना तुझसे, हमेशा। वो शायरी याद है मेरी, सच में डल जाते हैं किससे दिल से दोहराने के बाद, इश्क पे होगा यकीन इश्क हो जाने के बाद। राइट, तो और दादी सही कहते थे, इश्कबाजी कब दिल में घर बना लेती है पता ही नहीं चलता। मेरे लिए हर रिश्ता एक सौदा था, फिर वो मेरी जिंदगी में आई और तेरी जिंदगी बदल गई और मैं भी। सुनो, तुमने मुझे एक बार कहा था कि सांसें रुक जाती हैं, ऑल दैट। आज मेरे साथ वैसे ही हो रहा है, उसे देखता हूं और सांसें कुछ थम सी जाती हैं। इट्स जस्ट हाउ हैप्पी आई एम। पता क्यों? क्योंकि मेरा भाई तड़ीबाज सिंह ओब्रॉय से इश्कबाज सिंह ओब्रॉय बन गया। मुझे भी अभी रियलाइज हुआ है कि सबसे पहले मैं तुझे बताने आ गया। I was just, yeah. Are you crazy? What? No. Yeah. तुझे रियलाइज हुआ है जिंदगी में कि तुझे पहली बार प्यार हुआ है? तू ये मुझे बताने आया है और जिसे प्यार हुआ है उसे नहीं बता रहा है? नहीं। What is wrong with you? Go tell her now. I'm just waiting for the right moment. You know what? I think you need a hug. I think we both need a hug. I think so too. Just come here, man. You have no idea मुझे कितनी खुशी हो रही है मेरे भाई को खुश देख के। पकोड़े? सुबह सुबह शिवाय सिंह ओब्रॉय पकोड़े तल रहे हैं। तुम्हारे लिए। वैसे ये ना ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। क्या? शिवाय सिंह ओब्रॉय पकोड़े तल रहे हैं। मशहूर उद्योगपति शिवाय सिंह ओब्रॉय सुबह सुबह पकोड़े तलते रहे पाए गए। वैसे एक मिनट, शिवाय इसमें सरसों के तेल की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने ऑलिव ऑयल में बनाए। पकोड़े विदेशी तेल में? मैंने कहा ऑलिव ऑयल इज हेल्दियर एंड जो सरसों का तेल होता ना उसमें से वो चिप चिप वाली जस्ट, यू गेट इट राइट? नहीं बताइए क्या कैसे होता है वो चिप 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 कहता ना, वो मतलब मिचमिची। हाँ वो ऐसा, इट्स जस्ट नॉट। आप तो बहुत क्यूट हो, बहुत क्यूट हो, एकदम स्वीट सिंह ओब्रॉय जैसे क्यूट। क्यूट क्यूट मैं बहुत हो गया। ओके, आई डोंट लाइक दिस वर्ड्स। क्यूट को क्यूट नहीं बोलूंगी तो क्या चट्टू मैं बोलूंगी? आई डोंट लाइक दैट। दिस नहीं पसंद, दैट नहीं पसंद तो क्या बोलूंगी? अनेका, बिल्लू? हाँ दादी। बिल्लू दो फुट दूर रहने को बोला था ना? हाँ तो बिल्लू अगर तू अभी भी बाज नहीं आया ना तो मैं अनिका को अपने साथ अपने कमरे में शिफ्ट कर लूंगी। अरे नहीं, मतलब है मैं दूर रहूंगा दादी, मैं दो ढाई फुट दूर रहूंगा, आप मत कीजिए ऐसा। सुन
अब अगर मैंने तुम्हें अनिका के नजदीक आते देखा ना तो देख लेना फिर तू। दादी को मत बोल। दो फुट नाइस फुट। नहीं भैया कल नहीं आज, हमें लिस्ट आज ही चाहिए, हमारी दादी को लिस्ट आज ही देखना है। आप अभी आ जाइए बस। आप नहीं समझ देखा तुम दोनों कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। लगता ही नहीं कि दोनों हस्बैंड वाइफ है। कोई नहीं कहेगा कि हस्बैंड वाइफ है। कल की बात याद है ना, जब केक खिलाने की बात आई थी तो कैसे बिहेव कर रहे थे। कुछ करना पड़ेगा। जब इन दोनों ने हमें मिलाने के लिए इतना कुछ किया तो हमें भी इन्हें मिलाना पड़ेगा। अरे आपको पता नहीं जब मेरी और विक्रम की शादी होने वाली थी ना तो किसके अतरंगी आइडियाज थे, गौरी के, ताकि हम दोनों में से कोई एक डर के कोई पीछे हट जाए। लेकिन ओ रिवर्स साइकोलॉजी, पर हम तो फिर भी लड़ रहे थे। लेकिन अब तो एक हो गए ना। So that means इसका मतलब ये कि हमें ओम और गौरी को लड़ाना पड़ेगा। हमारी तरह लड़ेंगे। लड़ना झगड़ना इसमें बहुत प्राउड फील करने वाली कोई बात है ना? मेरे लिए तो मेरे लिए भी है। तो शुरू करें मिशन ओम गौरी का मिलन। स्टार्ट। लेट्स गो। भव्या जी दादी, तर ये ना मेरी शादी का बाउल है, इसे संभाल के रख ले, अनिका और बिल्लू की शादी में इसकी जरूरत पड़ेगी। जी दादी दीजिए, आप जाइए हम रख देंगे। गिर जाते तो मैं बचा लेता। वैसे भी मुझे आदत है आपको बचाने की। पब्लिक पुलिस को नहीं बचाती, पुलिस पब्लिक को बचाती है। तो अगली बार अपना ये एटीट्यूड दिखाने से पहले देख लेना कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं। Mm-hmm.
अगली बार एटीट्यूड देने से पहले एक बात सोच लेना कि तुम्हारा पाला रुद्र सिंह उब्रॉय से बड़ा है। ये तुम्हारे लिए। बड़े भैया आपने क्यों तकलीफ की, हमें कह देते हम बना देते हर हर आई के। It's okay. तुम्हें तो वैसे ही पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। खाओ खाओ। अच्छा वैसे भी पिछले कुछ दिनों में तुमने कितना कुछ किया है मुझे और अनिका को मिलाने के लिए। अरे तो क्या हुआ, अपने भाई और भौजाई के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ये जानते हुए कि आप और शिवाय एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, आप दोनों को अलग होते हुए कैसे देख सकते थे। फिर भी थैंक यू। वो मुझे जो बात करनी थी वो तो मैं भूल ही गई करने। कौन सी बात? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बस दुख की बात यह है कि तुम्हें और ओम को मिलाने के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। शायद कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी शायद यही हो, तो शायद यही भगवान की मर्जी हो। मतलब छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। तुम खाओ। नहीं 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 बड़े भैया बताइए ना आप क्या कहना चाह रहे हैं। वो क्या है ना गौरी की है, तुम मेरी बहन हो है ना, और ओम भी मेरा भाई है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और मैं चाहता हूँ सब कुछ ठीक हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत दूरियां हैं। दूरियां इंसानों में हो तो चलता है, लेकिन दिलों में नहीं होनी चाहिए। देखो ओम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और गौरी के बीच में बहुत फर्क है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग, शायद इसलिए आज तक तुम दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं हो पाई हैं। ऐसा नहीं है भाभी, आप और शिवाय भैया भी कितने अलग हो, लेकिन फिर भी साथ हो, और शिवाय माने या ना माने खुशी खुशी साथ हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम और ओमकारा जी एक दूसरे से बहुत अलग हैं? हाँ हाँ। अब गौरी तुम खुद ही सोचो ना, तुम ओम के लिए कितना कुछ करती हो, इनफैक्ट हम सबके लिए कितना कुछ करती हो, लेकिन ओम सिर्फ तुम्हें एटीट्यूड देता है। थैंक यू तक बोलने में ना उसकी ईगो हर्ट होती है। अरे थैंक यू बोल देगा तो कोई मतलब मानता हूँ वो मेरा भाई और मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तुम भी मेरी बहन हो ना गौरी, मुझे नहीं अच्छा लगता वो जब तुम्हारे साथ ना ऐसे ऐसे बिहेव करता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसने तो तुम्हें कभी कोई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया होगा। नहीं लेकिन हमने कभी मांगा ही नहीं। नहीं कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना। हमें गिफ्ट नहीं वो नहीं, तो इतना कुछ करती हो तो कभी अप्रिशिएट भी नहीं किया होगा ना उसने तुम्हें। कितना कुछ करती है वो तुम्हारे लिए, इस पूरे घर के लिए, लेकिन तुम क्या करते हो उसके लिए? तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुमने जो किया गलत ही किया। शायद तुम्हें इसी बात का पछतावा है, तुमने उसे इस घर में रुकने को कह दिया, लेकिन वो बेचारी क्या सोच रही होगी कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है। अब असलियत तो ये है कि तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है ही नहीं, है ना? नहीं है। अगर होता तो तुम उसे कह देते ना, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं उसे। मैं सच कह रहा हूँ ऐसा है ही नहीं, मैंने कई बार कोशिश गई तुम्हारे तेल लेने। क्या तुमने आज तक उसकी तारीफ की है? खैर अब छोड़ो, अब तो बहुत देर हो चुकी है, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। देर हो चुकी है मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है कि अब गौरी को कोई फर्क पड़ता है नहीं। वो क्या बोलते हैं उसे, तुम लोग बोलते हो ना मूव ऑन। हाँ मूव ऑन कर चुकी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।